व्यास, हम दोनों जने आज फेसबुक पर कुकपैड इंडिया कम्युनिटी के लिए लाइव हो रहे हैं। हम आज आपके लिए दो डिफरेंट रेसिपीज लेकर के आए हैं। वो दोनों ही रेसिपीज डिफरेंट कल्चर की हैं, अलग अलग जगह की हैं। एक स्टार्टर के रूप में हम लोग लेकर के आए हैं और दूसरी दाल बाटी हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी का वेलकम करूंगा जो आप अपना टाइम इस फेसबुक लाइव के लिए दे रहे हैं, एंड कुकपैड टीम को स्पेशल थैंक्स, नाजिया मैम को स्पेशली थैंक्स बिकॉज उन्होंने हमको कुकपैड टीम के साथ में जोड़ा। पूनम मैम, आपको भी बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स, आपने हमारी बहुत ज्यादा टेक्निकल हेल्प की इस फेसबुक लाइव के लिए। रोली मैम, श्रीनिवासन सर और अवनी मैम, द इम्पॉर्टेंट इज अवनी मैम, क्योंकि अवनी मैम ने भी बार बार मुझको भी इंकरेज करते रहते हैं, वो बार बार मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा इंकरेज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। पूरी कुकपैड टीम हम लोगों को इंकरेज करती रहती है टाइम टू टाइम कुछ नया करने के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स दूंगा मैं आप लोगों को जो आपने कुकपैड की मीट की थी दिल्ली में, जिसमें हम लोग आकर के आप लोगों से मिले थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करें उसको दोबारा से कंडक्ट कराने की, दोबारा से यहाँ पर दिल्ली में हम लोगों से मिलने की। बाकी हम लोग, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई हो गई है आजकल कि हम लोग लाइव होकर के आप लोगों से मिल ही रहे हैं आप सभी से। सो स्पेशल थैंक यू ऑल ऑफ द व्यूअर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ द कुकपैड इंडिया टीम, कुकपैड टीम। अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग खमन ढोकले से करेंगे और किरण मेरे साथ में है यहाँ पर। हम लोगों ने थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखी हुई है सारे सामान की, तो अब मैं किरण को हैंडओवर करता हूँ। किरण आपको बताएंगे कि कैसे ढोकले को, खमन को स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है। उसके बाद हम लोग लेंगे सेकंड फेज में दाल बाटी। फर्स्ट हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेंगे पूरी तरीके से। जब ये प्रिपेयर हो जाएगा फिर हम इसको साइड ऑफ कर देंगे एंड देन हम लोग दाल बाटी से स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसन के ढोकले बनाएंगे, तो ये मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने बेसन लिया है और थोड़ी सूजी ली है, ये सोडा है 1/4 चम्मच, ये है 1/4 चम्मच इनो पाउडर, और ये इस ब्रांड का है, ये कोई फ्लेवर नहीं होता इसमें, तो आप ये यूज़ करेंगे तो आपको इसमें कोई नींबू चॉकलेट वाला जो आता है इनो वो यूज़ नहीं करना है, यही लेना है। और ये मैंने 1 चम्मच नमक लिया है और हमने इसमें कोई सामग्री नहीं डालेंगे। और ये जो सूजी मैंने ली है वो इसलिए ली है क्योंकि ये थोड़ा इसमें उठाव देगी, स्पॉन्जी बनाएगी खमन ढोकले को, क्योंकि हमें इंस्टेंट बनाना है। या तो हम इसको कुछ देर रखें तो न भी सूजी डालें तो चलेगा, लेकिन हम सूजी इसलिए डालेंगे कि स्पॉन्जी बनेगा। तो अब हम इसको बनाने की तैयारी करेंगे और जो इसका बाद में हम गार्निश करेंगे या इसकी जो मीठा बनाने के लिए पानी हम खट्टा मीठा डालते हैं ये उसकी सामग्री है, तो वो भी मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ। ये कड़ी पत्ता है, ये धनिया है, ये नारियल है जो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, और ये शुगर है 4 चम्मच, और ये नींबू का जूस है जो हमने निकाल लिया 1 से 1.5 चम्मच, और ये 1 चम्मच राई है, और ये कटी हुई हरी मिर्चें। ये आप अलग अलग तरीके से, कोई गोल पसंद करता है कोई लंबी, आप अपने मन चाहे तरीके से इसे काट सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले तैयारी करते हैं घोल बनाने की। तो ये मेरा घोल तैयार हो रहा है, ये मैंने बेसन डाल लिया है, अब मैं इसमें सूजी मिला देती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि इनो पाउडर हम जब वापस उसको डालेंगे ढोकले कुकर में तब हम डालेंगे, अभी हम केवल इसमें नमक और सोडे का ही यूज़ करेंगे। तो पहले हम इनको सूखा ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सोडा है और नमक है वो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। अब हम इसको नॉर्मल पानी से धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। कारण ये है कि पानी अगर ज़्यादा डाल दिया तो इसमें जल्दी से गुठलियाँ भी पड़ जाएंगी और हो सकता है कि आपका जो बैटर है, जो घोल है वो पतला हो जाए। तो
ये घोल आप देखिए, और एक ही साइड में हमें इसे घुमाते हुए घोल को बनाना है। कारण ये है कि अगर हम इसको दूसरे साइड से दोनों तरफ से करना शुरू कर देते हैं तो इसमें जो खमीर उठता है या जो स्पॉन्जीपन आने वाला होता है वो बंद हो जाता है। तो बेसिकली हमें इसे वन साइडर ही रखना है। वन साइडर रखने से क्या होता है, कई बार हम लोग जितने भी स्पॉन्जी चीजेस बनाते हैं, स्पॉन्जी डिशेस बनाते हैं, उन सभी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली उन सभी के लिए हम लोग वन साइडर चलाते हैं। वन साइडर चलाने से इसमें अच्छा स्पंज बन जाता है, क्योंकि ढोकला स्पंजी होना चाहिए, खमण स्पंजी होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको स्पंजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वन साइडर चलाना है इसको, सेकंड अपोजिट साइड में नहीं चलाना। और ढोकले का जो घोल है वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से, पतला या गाढ़ा ऐसा नहीं करना है, बीच का होना चाहिए। ये देखिए आप, मैं जब ऐसे करती हूँ तो ये ऊपर से किस तरीके से गिर रहा है, बस इतना ही हमें रखना है। इसको बहुत पतला नहीं करना है या बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है। तो मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसको हल्का सा पानी डाल के और पतला करूंगी। और एक और चीज है, आप इसमें दही भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, रेखा मैम का क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसमें मठा भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मठा नहीं है तो आप इसमें पानी से इसको मार सकते हैं, पानी से बना सकते हैं। बट लेकिन पानी से बनाने के लिए क्या है कि पानी से बनाने के लिए आपको इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डालना पड़ेगा, लेमन जूस यूज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो इसको मठे से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखिए मैंने थाली ग्रीस कर ली है और इस थाली को ग्रीस जरूर करना है हमको तेल लगा करके। कारण ये है कि तेल लगा रहेगा तो आपका जो बेसन आप इसमें डालेंगे वो चिपकेगा नहीं। ये ढोकला कुकर मैंने ऑन कर लिया था पहले और ये पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये थाली को रख दूंगी। आप 2 मिनट थाली को जरूर रखिए, ठंडे में आप इसको नहीं डालिएगा। 1 मिनट ये थोड़ा हल्का थाली गर्म हो जाती है तब हम इसमें डालेंगे। और आप ये देखिए जो लास्ट सबसे हमें डालना है इनो पाउडर, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम पहले क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि जब ये खमीर उठने वाला होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि जब खमीर उठने वाला होता है हमको इसको 2-1 मिनट रखना है और इस इनो पाउडर को हमको इसमें बाद में डालना है, राइट। अब ये देख रहे हैं हल्का हल्का खमीर सा उठा हुआ लग रहा है हमको ये, और ये किरण यहाँ पर इसको थाली को फिल कर रहे हैं, इसको अच्छे से थाली को फिल कर देंगे। ये अच्छे से थाली देख रहे हैं आप, फिल हो गई है और नीचे इसमें पानी भरा हुआ है और आंच पे ये पानी गर्म हो रहा है। और अब मैं इसको बंद कर दूंगी और हम इसको 5 से 7 सेकेंड के बाद वापस से देखेंगे कि भाई ये पक चुका है कि नहीं। तो हम इसको चाकू से, फोक से, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे देख सकते हैं। ये चिपक रहा है अगर तो आप इसको वापस ढक दीजिए, और नहीं चिपक रहा है तो आप अपनी थाली उतार लीजिए। और एक सलाह और दूंगी, होता है बहुत से लोगों के पास में कुकर ढोकला नहीं हो तो हम इसको कढ़ाई में या किसी तपेली में भी पानी या में स्टैंड रख करके और हम इसको ऊपर से ढक करके बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ढोकला कुकर मैंने लिया है तो आप भी ढोकला कुकर ही हो तो ले, आप भी बना सकते हैं इसको अलग तरीके से। और आजकल ये ढोकला कुकर सभी जगह अवेलेबल है। पहले जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारी मम्मा, हमको याद है हमारी मम्मा हमारी बुआ से गुजरात से मंगाया करती थी, बिकॉज वी आर गुजराती एंड लिविंग इन मथुरा यूपी फ्रॉम बॉर्न, सो वहां से वो मंगाती थी। अभी तो आजकल ये सभी जगह अवेलेबिलिटी है इसकी, सभी जगह आसानी से मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा किरण ने बोला कि अगर आपको नहीं अवेलेबिलिटी है तो स्टीमिंग कोई चीज चाहिए आपको जिसमें आप स्टीम कर सको इसको, तो आप इसको कढ़ाई में भी हम थाली रख के पहले करते थे मुझे याद है। तो बहुत टाइम बाद हमारा यहाँ पर ये ढोकला कुकर आया हमारे यहाँ। अब ये मैंने कढ़ाई रख ली है जिसमें हम इसके लिए मीठा खट्टा पानी बनाएंगे। तो ये मैं इसमें 1 चम्मच जितना तेल, मतलब हमें ज्यादा तेल नहीं लेना है, केवल 1 टीस्पून तेल ही हम इसमें डालेंगे जो कि मैंने डाल दिया। और थोड़ा गर्म होने पर देख लेते हैं कि तेल गर्म अभी नहीं हुआ है तो हम इसमें राई डालेंगे थोड़ा सा रुक कर, जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तेल कड़क हो जाएगा, तेल हाँ। कड़क गर्म हो जाए ये अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें और थोड़ी देर में ये तेल आने लगेगा। अभी आप देखेंगे इसमें थोड़ी देर में तेल आने लगेगा। और इधर ये हमारा ढोकला तो चल ही रहा है, ढोकला गर्म हो रहा है, ये देखिए ये तेल में, ये मैंने राई डाल दिया है, राई डाल दी है और ये
इसमें हल्का हल्का आप देख रहे हैं राई कड़कनी शुरू हो गई है, क्योंकि राई जब इसमें डलती है ना तो उसका एक अलग ही सुंदरपन जो गार्निश है वो बहुत ही प्यारा लगता है ढोकले में। तो हमको ये मस्टर्ड सीड डालना बहुत जरूरी है, इससे ये इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मैंने डाल दिया है राई। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूंगी कुछ। कड़ी पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात की हर कड़ी में हर जगह कड़ी पत्ता पाया जाता है। कड़ी पत्ते से अलग ही फ्लेवर आ जाता है, सुगंध भी बहुत अच्छी आती है। अभी मैंने इसमें हरी मिर्ची काट कर डाल दी है और अब मैं इसके अंदर एक गिलास पानी डाल दूंगी। इस चाशनी में ऐसा नहीं है कि हमें इसको चाशनी बनाना, बस इसका एक अच्छे से ये सब कुछ मिक्स हो जाए और इसका वो जो है मिक्स होना, यानी कि चीनी है नमक है। ये एक क्वेश्चन आया है अभी किरण हमारे पास में कि हम लोग क्या बना रहे हैं। बेसिकली हम लोग ढोकला खमन बना रहे हैं। फर्स्ट पहले ढोकला खमन हम लोग बनाएंगे, देन उसके बाद में जो लेट यूजर्स हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ थैंक यू। आप लोगों ने एक क्विक को हमारे फेसबुक लाइव को ज्वाइन किया तो हम लोग अभी ये खमन बना रहे हैं, बेसन से बनने वाला गुजराती खमन ढोकला। और उसके बाद में फिर हम लोग दाल बाटी बनाएंगे। तो ये न्यू यूजर्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी क्योंकि जब हम ऊपर से डालेंगे इसको तो पूरे ढोकले में इसका अलग से वो स्वाद अच्छा बने। और ये मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये लेमन जूस जो कि नींबू का रस है वो एक नींबू मैंने पूरा निकाला है, क्योंकि हमारा खट्टापन तो होगा नहीं ढोकले में, तो इसी चाशनी से ही खट्टा मीठापन उसके अंदर आ जाएगा। और अब हमको इसको कुछ देर के लिए उबलने देना है। लवली मैम इज आस्किंग, मिर्ची तो ऑयल में फ्राई नहीं हुआ? नहीं, तो ये हमको ऐसे कोई फ्राई नहीं करना है, ये जब कुक होगा मैम तो ये अपने आप ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी और नरम रहनी चाहिए। नजिया मैम इज अगेन आस्किंग, चीनी और पानी कितना लेना है? मैम मैंने इसमें एक गिलास पानी डाला है और चीनी 4 चम्मच डाली है मैंने। अगर आप चीनी ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, पर 4 टीस्पून मैंने चीनी डाला है इसमें और 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है और 5 से 6 हरी मिर्ची काटी है मैंने इसमें। अब मैं इसको कुछ देर के लिए ढककर उबलने के लिए रख दूंगी जिससे ये मिक्स हो जाएगा। वनिका जी इज आस्किंग, शुगर लेना जरूरी होता है? जैसे शुगर पेशेंट है तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि शुगर लेना कोई जरूरी नहीं है उनके लिए। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है कि आप पानी वाले ढोकले ना बना करके, ढोकले जब रेडी हो जाए तो आप उनको कढ़ाई में फ्राई करके भी दे सकते हैं। अगर शुगर नहीं डालेंगे तो वो स्पॉन्जी नहीं बनेगा, शुगर पेशेंट के लिए ये नहीं है ये रेसिपी, और मीठापन भी नहीं आएगा उसके अंदर, ढोकले के अंदर बिल्कुल ढोकला ऐसा हो जाएगा। उसके लिए है एक तरीका जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसा मैं कभी कभी यूज करता हूँ। उसको मैं यूज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जब ये ढोकले बन जाते हैं, हालांकि मैं शुगर पेशेंट नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं क्या करता हूँ कि जब ये खमन तैयार हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, तो मैं अपने मैडम से पहले ही बोल देता हूँ कि मैडम थोड़े से ढोकले मेरे लिए निकाल देना, और उसको हम लोग क्या करते हैं सिंपली फ्राई कर लेते हैं। तो वो भी आप यूज कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है अनुप जी कि शायद अब ढोकले मेरे शायद एक बार हम चेक कर लेंगे। एक चीज और बता देती हूँ ढोकले की मैं आपको, कि कई लोग क्या करते हैं कि गैस को पहले सिम करते हैं फिर ओपन करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, गैस को फुल फ्लेम पर ही रखना है और तभी इसको उठाना है। इसका कारण ये है कि आपका जो पानी भाप बन के गया है वो इसके अंदर ना आ जाए, है ना, तो आपको फुल फ्लेम पे ही उठाना है। अब हम चाहे इसको सिम कर सकते हैं, तो मैंने इसको सिम कर दिया। आप इसको देखिए कितना अच्छा खमीर उठ करके आया है और मैं चेक करके भी आपको एक बारी बता देती हूँ। ये देखिए मेरे चक्कू पर बिल्कुल भी नहीं चिपका है, एक बार और ये देखिए आप, ये चिपकना नहीं चाहिए, एटलीस्ट कि ये अच्छे से बक चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए आप, हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी हो गया है और स्पंजी भी बना है, बहुत ही बढ़िया कलर वलर सब बहुत बढ़िया आया है और बहुत ही कम समय में इंस्टेंट बनने वाला ये। सो बेसिकली इंस्टेंट की वजह से हम लोग करते हैं, कई बार कुकिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हम लोग, तो हम लोगों को बहुत सी चीजें ऐसी देखनी होती हैं जो इंस्टेंट हमारे लिए रेडी हो जाए और हम आसानी से फटाफट उनको खा सकें। मैं इसको आप कट कर देती हूँ और अनुप जी इसको गार्निश करके आपको बताएंगे।
तो अभी किसी ने पूछा था शुगर के लिए पूछा था, तो मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी चीज जो मैं अक्सर करता हूँ, अक्सर करवाता हूँ या करता हूँ. मैं क्या करता हूँ कि इन पीसेस को निकाल लेता हूँ, ढोकले के पीसेस जो आप देख रहे हो, और इनको मैं नॉर्मल फ्राई कर लेता हूँ, तो वो बन जाता है नमकीन फ्राइड ढोकले. अब ये कट हो चुका है अनुप जी, अब आप इसमें ये जो शुगर जो मिक्स करके हमने बनाया है वो आप इसमें डालिए. खमीर उठाना पड़ेगा उसके लिए, आपको खमीर उठा करके रखना पड़ेगा एंड देन आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं. तो ये हमने इसको पानी पिलाने के लिए रख दिया है, इसको हम पानी पिला रहे हैं. आपको इसके ना एक एक कट्स में जाके पानी धीरे 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 इसमें पानी डालना है, अंदर तक पानी धीरे धीरे पानी पिलाना है इसको, जिससे ये अंदर तक पानी पी सके. वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर ये पानी नहीं पिएगा तो न तो स्पंजी लगेगा ना ही अच्छा लगेगा. आपने बाजार में देखा होगा कैसे जब ढोकला आता है तो उसके अंदर लिक्विड पानी निकलता रहता है, राइट? आप लोगों ने देखा होगा जब वो लेते हैं. तो इसके लिए पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अभी हम इसको गार्निश करेंगे, पहले हम इसको पानी पी लेने देते हैं, फिर हम इसको गार्निश करेंगे. और अब हम इसको ये साइड कर देते हैं, साइड में रख देते हैं, और फिर हम आएंगे अपनी सेकंड दूसरी रेसिपी पर, और बीच में हम इसको गार्निश कर लेंगे. तब तक ये आराम से पानी पी लेगा, चाहे तो पहले भी गार्निश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट इसको पानी पी लेने देते हैं. और मेरे ख्याल से अब इसकी आवश्यकता नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से. और तो अभी नेक्स्ट रेसिपी शुरू करने से पहले नेक्स्ट रेसिपी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले दो मिनट है हमारे पास में, तो आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा. मेरी लाइफ में कहानियां बहुत हुई हैं, बहुत होती रहती हैं, तो एक छोटी सी कहानी हम बताना चाहूंगा मैं आपको इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले. कुकिंग, हम लोग सोचते हैं कुकिंग, अरे यार मैं लड़का हूं, मैं कुकिंग नहीं कर सकता, मैं क्यों कुकिंग करूं, मैं क्या करूं. सो कुकिंग आजकल ऐसा नहीं है, कुछ भी लड़का लड़की कुछ नहीं होता, सभी लोग कुकिंग करते हैं. और मोस्टली शेफ्स आप जो देखेंगे वो बढ़िया अच्छे लड़के हैं जो अच्छा खाना बनाते हैं. संजीव कपूर को देख लीजिए, सरदार जी को देख लीजिए, जो कहते हैं नमक शमक डाल सकते हैं, बहुत बेहतरीन मुझे लगता था उनका शो. तो आप कहते हैं कि कुकिंग, तो कुकिंग बेसिकली कई बार फोर्सफुली हम लोग सीखते हैं, कई बार हम लोग शौक से सीखते हैं. तो मैंने बेसिकली कुकिंग सीखी थी फोर्सफुली जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी, और मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी. एंड देन हमारे घर में कोई भी मतलब सारे आदमी थे हम लोग, मतलब मैं, मेरा भाई और मेरे पापा और मेरी मदर थी. सिस्टर है हमारी एक बड़ी, उनकी मैरिज हो चुकी थी, तो घर में कोई और लेडी नहीं थी. और मेरी मदर की तबीयत अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो बेड से भी नहीं उठ पाती थी. फादर मेरे उनको केयर करते थे, मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस जाकर के फिर वापस आकर के खाना बनाता था. तो दैट टाइम मैंने कुकिंग स्टार्ट किया, दैट टाइम मैंने कुकिंग करना शुरू किया मैंने उस समय. ठीक है, वो मेरे लिए बहुत फोर्सफुली था, बहुत पैनिक था, मेरी रोटी सही से नहीं बन पाती थी. मैं जब अपनी रोटी, ठीक है, फादर को खिला देता था, मम्मा को खिला देता था, लेकिन जब मैं अपनी रोटी खाता था तो मैं बस रोटी बनाता था और खाता था. जस्ट मैंने रोटी बनाई, इतनी टाइट हो जाती थी वो रोटी कि मैं खा नहीं पाता था. फिर धीरे धीरे मैंने सीखा, लोगों से सीखा. हमारे यहाँ एक हमारी आंटी आती थी जो हमारे बर्तन वगैरह मांजती थी, काम करती थी हमारे घर का, सफाई करती थी उस दौरान, हमारी हेल्प करती थी. तो वो आंटी आज भी हमारे यहाँ आती हैं, एंड वो मेरे हार्ट टच मेरा उनके साथ में है, आंटी के साथ में, बिकॉज उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है. चलिए बातें हो गई, चलिए तो पहले हम दाल बाटी के लिए दाल का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मैंने दाल कुक करके रख ली है क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास कम था, तो हमने ये दाल कुक कर ली है. तो मैं दाल का बता देती हूँ, मैंने ये एक कटोरी उड़द की दाल ली है, आधी कटोरी चने की दाल है, और इसमें हम नमक पहले से डाल देंगे, दो टमाटर, दो हरी मिर्ची और एक अदरक का टुकड़ा. ये मैंने पहले से ही कुक कर लिया है इसमें डाल करके. और अब मैं आपको इसको छौंक लगाना बता देती हूँ कि मैंने इसमें दो प्याज, थोड़ा सा तेल, राई, जीरा और हींग डाल करके छौंक दिया है, और 8-10 कलियां मैंने लहसुन की कूट करके इसमें डाल दी है. और ये मेरी अच्छे से भुन चुका है ये प्याज मेरा. तो अब मैं आपको ये दाल भी हम इसमें डाल देंगे, और मैं बता देती हूँ इसमें 1-1.5 ग्लास जितना पानी मैं इसमें डालूंगी.
और इसको बहुत अच्छे से उबलने दूंगी। कारण ये है कि जब तक दाल बाटी में दाल का मजा नहीं हो, यानी दाल अच्छे से घुटे नहीं, तब तक उस दाल का मजा आता नहीं है। तो दाल बहुत अच्छे से घुटनी चाहिए। तो ये अब मैं मसाले के साथ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये कूटी हुई लौंग है जो मैंने पीस लिया है, इसको 4-5 लौंग है, 4-5 काली मिर्ची है, तो ये कूट करके मैंने इसमें डाल दी है। और अब मैं इस मसाले को मिक्स करूंगी। नमक मैं पहले ही दाल में डाल चुकी हूँ, अगर आप लोग दाल में नहीं कुक करने टाइम डालते हैं तो आप मसाले में भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी और इस दाल को मैं एक तरफ से उबलने देंगे, और मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल दूंगी क्योंकि उबलेगी ये बहुत अच्छे से। ये जब तक घिट कर एक रस न हो जाए इसका मजा दाल बाटी के साथ आएगा ही नहीं। तो मैंने दोनों दालों को अच्छे से बॉईल करने के बाद छौंक लगा दिया है, और अब देखिए कितनी अच्छी फ्लेवर्ड खुशबू आने शुरू हो गई है। वो हम आपको नहीं दे सकते हैं, बट अच्छी फ्लेवर्ड खुशबू आनी शुरू हो गई है इसके अंदर, लहसुन की, प्याज की, जैसी राजस्थान की गलियों में शाम को आती है, जब कभी हम राजस्थान की गलियों से गुजरते हैं तो वहां पर मुझे बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है घर घर से। वो इसी वजह से आती है कि अच्छे से लहसुन प्याज वगैरह सब भूनते हैं वो लोग, और भूनने के बाद में खुशबू आनी शुरू हो जाती है। हाँ ठीक है अनुप जी, अभी मैंने ना पानी बॉइल करने रखा है, तो आप पूछेंगे ये किस लिए रखा है मैंने, तो मैं इसको पहले ही उबालने रख देती हूँ क्योंकि इसमें हमें बाटी को बाफना है। हम राजस्थान या एमपी स्टाइल की बाटी नहीं बना रहे हैं, आज हम मथुरा स्टाइल बाटी बना रहे हैं जिसको मुठिया बाटी और सिकी हुई बाटी बोलते हैं। तो ये तली हुई बाटी बनेगी, सॉरी, और बहुत ही अच्छी और अलग। जैसे कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं कि तेल नहीं खाना, चिकना नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, ये वो है, तो मैं आज उस तरीके का कुछ अलग ही लेकर के आई हूँ आपके सामने, शायद आपको पसंद आएगा। तो ये आप देखिए, मैंने छोटी सी कहानी है, छोटी सी एक इसकी कहानी है। क्या कहानी है कि बेसिकली हमारी वाइफ राजस्थान से आई थी, तो राजस्थान की बाटी बनाती थी। एक बार मैंने उनसे बोला बाटी बना दीजिए, उन्होंने भाई बाटी बना दी, बट मैं तो मथुरा का था और मथुरा में हमारे यहाँ तो यही तलवा बाटी बनती है, वो वाली नॉर्मल बाटी बनती नहीं है। तो मैं एक बार इनको दुकान पर ले गया जहाँ पे मैं रोज अक्सर बाटी खाया करता था, तो उस दुकान पर ले गया इनको, बाटी खिलाई, और बाटी खिला करके इनको बोला कि भैया ये बाटी हम लोग खाते हैं। तो इन्होंने फिर हलवाई से सारी डिश पूछी, उस समय आज 15 साल पहले पुरानी बातें हैं ये, तो हलवाई से डिश पूछी। उस समय इंटरनेट नहीं चलता था, फेसबुक नहीं चलता था, यूट्यूब बहुत कम चलता था, तो 15 ईयर्स बैक बातें हैं ये सारी। तो उससे हलवाई से डिश पूछी और हलवाई से डिश पूछ करके इन्होंने बनाई, और उसके बाद में ये हम लोग कभी कभी ये बाटी बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है ये बाटी भी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये पानी चढ़ा दिया है और अब देखिए इसको कैसे करना है। ये मैंने आटा ले लिया है एक बाउल, आप घर में जितने मेंबर है उस हिसाब से लीजिएगा। मैंने ये एक बाउल लिया है, आधी कटोरी मैंने ये सूजी ली है। सूजी लेने का कारण ये है कि इसमें आटे में जाकर ये फूलेगी और इसमें थोड़ा सा दरदरापन आ जाएगा, मतलब जिसे आप कहते हैं ना खस्ता, तो जैसे मटरी में हम सूजी डालते तो कैसी खस्ता बनती है, उसी तरीके से ये बाटी भी खस्ता बनेगी। और सबसे अच्छी बात मैं ये बताती हूँ, इस बाटी को जब डो